वेलकम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और बिल्कुल हेल्दी होंगे और खुश होंगे। तो भाई खुश हो अच्छी बात है, हेल्दी रहो वो भी अच्छी बात है, बट बहुत ज्यादा हेल्दी मत हो जाओ कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे वेट लॉस की। आज मैं आपके साथ कोई ड्रिंक, कोई ऐसा DIY शेयर करने नहीं जा रही हूँ जिससे कि आप अपने वेट लॉस को कम कर सकें। और आज मैं वेट लॉस की बात यहाँ आपके वेट मतलब स्टमक या फिर आपके टमी या फिर आपके बैली या आपके थाई इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आपके स्किन की, यानी कि हमारा जो फेस एरिया है वहाँ पे ये जो हिस्सा है इसे जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि डबल चिन जिसे कहते हैं, वो आपका ना बढ़े इसके लिए आपको यहाँ पे मैं कुछ ऐसे 5 एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको आपको मॉर्निंग में एंड इवनिंग में डेली करना है। लगभग स्टार्टिंग कीजिए 5 मिनट से, उसके बाद उसको आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं और आपका ये जो चिन एरिया है वो बिल्कुल सपाट रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में अच्छा डिस्टेंस रहेगा और ऐसे नहीं हो जाएगा कि मतलब ये एकदम ही ऐसे, अब मैं ऐसे आपको बता रही हूँ कि ये एकदम ऐसे नहीं होगा, तो ये होना भी नहीं चाहिए कि गले और आपके इस एरिया में थोड़ा सा डिस्टेंस होना ज़रूरी है। ये अगर चिपक गया तो आपका यानी कि डबल चिन आपका तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इस टाइम हम घर के काम कर ही रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, घर के काम तो हमें करने ही चाहिए, बट ये घर के काम करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये आपके डेली रूटीन में आते हैं। आप घर के काम, चाहे आप खाने को खाना बना रही हैं, आप डस्टिंग कर रही हैं, आप साफ सफाई आप कर रही हैं, आप कपड़े धुल रही हैं, बर्तन धुल रही हैं, तो ये हमारे एज अ डेली रूटीन में आते हैं। एज अ डॉक्टर भी कहते हैं कि ये सारे काम तो हर लेडी के डेली रूटीन में आते हैं, आप इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हो, तो इससे आपका ना वेट लॉस कम होता है और ना ही इस तरीके की कोई भी चीज़ें कम होती हैं, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैं केवल 5 ऐसे एक्सरसाइज बता रही हूँ जिसको ही करने से आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ना आपको कुछ खाना है, ना कुछ आपको लगाना है, ओनली फॉर ओनली ये 5 एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है डेली मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। 5 मिनट अपने आप को दीजिए और इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो घर बैठे। इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है अपने आप की केयर करना, और चाहे वो स्किन की हो या फिर हेल्थ की, क्योंकि घर में पहले क्या होता था, आप घर के काम कर रहे हैं, आप बाहर भी जा रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप जुम्बा क्लासेस ज्वाइन किया तो वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज जिम वगैरह सब जाते, बट इस टाइम तो कुछ नहीं हो रहा है। आप घर में बैठे हुए, तो घर में बैठे बैठे भी इंसान बोर हो जाता है और बैठे बैठे भी वजन तेजी से बढ़ता है, इवन आपकी स्किन में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए बस सिंपल 5 ऐसे एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको आपको करना है और बैठ के ही करना है, सो मैं आपको बैठ के ही बता रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला एक्सरसाइज वो ये है कि आपको अपने ये माउथ को मतलब इस चीज़ को इस साइड में लेके जाना है, मतलब अपने अपोजिट में लेके जाना है, इस तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। आपको सीधे बैठना है और अपने सिर्फ अपने फेस को इस साइड लेके जाना है, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड। करना कैसे है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो हम जैसे सीधे बैठ गए और हमने अपना फेस को ऐसे किया और ऐसे करके, मतलब आपको सिर्फ अपना फेस ऐसे बढ़ाना है, मतलब ये चीज आपकी सीधे होकर के ना टेढ़ा होनी चाहिए, तो ऐसे तो ये आपको करना है लगभग 5 मिनट तक। तो फर्स्ट आपका ये रहा, उसके बाद सेकंड हम बढ़ते हैं अगेन अपने फेस की तरफ। तो हमें क्या करना है, अपने जो चिक्स हैं उनको अंदर करना है, किस तरीके से, इस तरीके से। मतलब ये आपका जो चिक्स हैं वो बिल्कुल अंदर चले जाने चाहिए और आपको लगभग 5 मिनट तक ऐसे करना है। आप इसका ड्यूरेशन टाइम आगे बढ़ा भी सकते हैं, बट स्टार्टिंग आप 2 मिनट 3 मिनट जैसे आपसे हो सके वैसे कीजिए। ये रहा सेकेंड। थर्ड टिप्स पे बढ़ते हैं अपने। थर्ड टिप्स है हमारा मुंह में हवा भरना, यानी कि जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हम लोग जब खिलाते हैं तो अपने मुंह में हवा भरते हैं और उसको बंप कर देते हैं, यानी कि मुंह से आवाज आनी चाहिए, उस तरीके से आपको करना है। आपको अपने मुंह के अंदर पहले हवा भरना है
और उस हवा को अपने इस साइड गाल में, इस साइड गाल में मतलब लेके आना, एक बार इधर एक बार इधर, और उसके बाद अपने हाथों से उसको बम कर देना है, यानी कि हवा को बाहर निकाल देना है इस तरीके से। ये बहुत इजी है और ये जितने भी प्रोसेस हैं बहुत इजी हैं, आप डेली अपने साथ अपने घर में कर सकती हैं। बाकी अदर ये मतलब ऐसा मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि महिला, लड़की या फिर जो जेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं जिनके डबल चिन की प्रॉब्लम है। तो तीसरा हमारा है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से जैसे कि हम छोटे बच्चों को करते हैं एज अ वो करने के लिए कि उसको हंसाने के लिए, बट यही आपको अपने फेस के लिए करनी है, अपने डबल चिन के लिए करनी है। फिर से एक बार देख लीजिए, मतलब जब आप इसको ऐसे करें तो मुंह से आपके आवाज निकलनी चाहिए। फोर्थ अपने टिप की तरफ बढ़ते हैं, आपको अपने ही घर में मतलब जहां पे आप बैठे हुए हैं वहीं से आपको अपने घर की छत की तरफ देखना है, यानी सीधे आपको अपने घर के छत की तरफ देखना है और मुंह खोलना है बंद करना है, मुंह खोलना है बंद करना है इस तरीके से। तो ये प्रोसेस आप 5 से 7 सेकंड करिएगा क्योंकि आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग कीजिएगा छोटे थोड़े थोड़े टाइम से, उसके बाद आप बढ़ा दीजिएगा इसको। इस तरीके से करना है। तो हमारा लास्ट जो है फिफ्थ टिप है वो भी बहुत ही इजी और सिंपल सा है। आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कर लेना है और यहाँ पे लेके आना है और ऐसे दबाना है, मतलब प्रेस करना है अपने इस एरिया पे, यानी जो नीचे का एरिया है आपको ऐसे इसको बांधना है मुट्ठी और इस तरीके से दोनों चीज को ला करके, और नीचे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको किसी टेबल पे या फिर किसी चेयर पे रखे ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल अपने हाथों को लेना है इस तरीके से और इस तरीके से, और इसी से इसको ऐसे प्रेस करना है ऊपर की तरफ, इसको आपको प्रेस करना है अपने हाथों को। तो लगभग 5 मिनट तक आपको ये करने, ये 5 सिंपल से मैंने आपको एक्सरसाइज बताए जो कि अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए ये एक्सरसाइज इतने अच्छे हैं कि आपकी जो डबल चिन का जो प्रॉब्लम है, या जिनको है या जिनको स्टार्ट हो गई है या जिनको हो सकता है वो भी क्योर हो सकते हैं इस तरीके से करें। क्योंकि आप घर में बैठे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है, बैठे बैठे रहने से, लेटे लेटे रहने से, या बहुत ज़्यादा टीवी देखने से, या बहुत ज़्यादा मैगजीन पढ़ने से, या बिना काम करने से, क्योंकि मेड नहीं आ रही है, आप खुद काम करें बट वो एज अ आपके रेगुलर काम में आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सब चीज़ में। तो हमें घर बैठे ही कुछ ऐसे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे जिससे कि हम अपने वजन को कंट्रोल कर सकें, और वजन चाहे कहीं का भी हो, बॉडी में कहीं का से भी अगर आपकी चर्बी बढ़ रही है तो उसको इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जानकारी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने घर में बताइए, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि इस टाइम जो कि सबसे ज़रूरी है हमारा अपना स्किन का, अपने हेल्थ का ख्याल रखना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हमारा वजन जो कि हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है और जिम वगैरह जाकर के वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सके। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज अगर आप अपने घर में करेंगे तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इन्फॉर्मेटिव हेल्दी ब्यूटी जानकारी के लिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।